वी आर डन क्रिएटिंग सेल्स एंड परचेज रिलेटेड एंट्रीज अभी हम देखते हैं जनरल इंट्रीज कैसे रिकॉर्ड होती हैं यूजअली कॉल्ड जे इसके लिए हम कंपनी वाले मेन्यू में जाएंगे सेलेक्ट मेक जनरल जर्नल इंट्रीज आर यू कैन यूज शॉर्ट की ऑल्ट सी जे नेट से हम अपना पेरोल एक्सपेंस जो कि फेबके मंथ का है वो हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं

नेम हम यहाँ पे जिस बंदे के लिए सैलरी है या जिस भी बंदे से रिलेटेड ये ट्रांजैक्शन है हम उसका नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं ये हमें हेल्प करेगा बाद में इन रिपोर्ट्स को फिल्टर करने में लेट्स से ये एक डायरेक्टर के लिए सैलरी है जिसका नेम अहमद है देन पेरोल लाइबिलिटीज जो हमारा क्रेडिट अकाउंट होगा टू फिफ्टी थाउजेंड एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर अहमद दोनों लेजर में हमने ये नाम चूज़ कर लिया जब हम पेरोल एक्सपेंसेस को फिल्टर कर रहे होंगे तब भी ये हमें हेल्प करेगा कि हम उसको नेम वाइज फिल्टर कर सकें और पेरोल लाइबिलिटीज़ को जब हम रिपोर्ट देख रहे होंगे तब भी हम इस नेम के जरिए उनको फिल्टर कर सकेंगे उन रिपोर्ट्स को सो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट आवर जे वी अभी हम रिपोर्ट देखते हैं बैक एंड पे इस ट्रांजेक्शन की कौन सी एंट्री रिकॉर्ड हो रही है ट्रांजेक्शन जर्नल सो so, ये एक डबल इंट्री बैकएंड पे रिकॉर्ड हो रही है जिसमें हमारे एक्सपेंसेस पेरोल के 250,000 से डेबिट हो रही हैं और पेरोल लायबिलिटी 250,000 से क्रेडिट हो रही है और ये जो नाम हमने चूज़ किया था वो आपको यहाँ पे मिल रहा है इंट्री नंबर, एंट एंट्री नंबर डेट एंड एंट्री टाइप अभी हम देखते हैं इसका हमारे पेरोल पे, पे सॉरी ट्रायल बैलेंस पर क्या इम्पेक्ट है तो जो ही हम ट्रायल बैलेंस में आते हैं वी कैन सी के टू फिफ्टी थाउजेंड की एक पेरोल लाइबिलिटी जनरेट हो चुकी हुई है एंड ऑन द अदर हैंड डेबिट साइड पे आपको पेरोल एक्सपेंस टू फिफ्टी थाउजेंड का मिल रहा है